हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के बारे में चर्चा करते हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हो सकता है विकल्प के रूप में पूछा जाए, या जोड़ी लगाने के लिए पूछा जाए, या क्रम के रूप में पूछा जाए। तो हम लोग यदि इसके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे तो उस प्रश्न को कैसे भी सेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि कौन से दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन हैं। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है रामानुजाचार्य। फिर है द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है मध्वाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। फिर है द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, उसके प्रवर्तक हैं निम्बार्क, निम्बार्क जो हैं वो द्वैताद्वैत के वाद के प्रवर्तक हैं। फिर है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। फिर है मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। फिर आइए आगे देखते हैं सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, वो है कपिल मुनि। आगे देखते हैं योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। फिर है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। आइए आगे देखते हैं वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है कणाद। फिर है चावार्क या लोकायत, इसके प्रवर्तक कौन है, इनके प्रवर्तक है मवारहत स्पत्य। आगे देखते हैं जैन दर्शन या स्वादवाद, जैन दर्शन या स्यादवाद, इसके प्रवर्तक कौन है पार्श्वनाथ। अगला है संघातवाद और क्षणिकवाद, संघातवाद और क्षणिकवाद, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक हुए, आप जो हैं इस वीडियो को 2 से 3 बार पॉज कर करके देखिए और 2-3 बार याद करिए। 2-3 बार पढ़ने मात्र से भी याद हो जाता है। तो इससे संबंधित दर्शन और प्रवर्तक से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।